सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत अच्छा दिन है हमारे लिए। आज हम लोग, जैसे आप देख रहे हैं, हम लोग कैथेड्रल में आए हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये वाला चर्च। मैं हमेशा आता हूँ इस चर्च में यहाँ पे, और बहुत अच्छा एक सुकून मिलता है जब भी यहाँ पे आता हूँ मैं बैठने के लिए। वेरी नाइस चर्च। आप भी अगर दिल्ली में हो तो जरूर आए यहाँ पे। आज हम लोग यहाँ पे एक बहुत स्पेशल गेस्ट से मिलने आए हैं। हमने थोड़ा चेंज किया आज हम फर्स्ट टाइम हम लोग एक प्रीस्ट को इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, आज हम एक डीकन को इंटरव्यू कर रहे हैं। डीकन जो होता है वो प्रीस्ट बनने से एक स्टेप पहले का स्टेज होता है। और जो ब्रदर जी हैं उनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, काफ़ी माइलस्टोन्स क्रॉस करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं, एंड दैट इज़ वॉट मेक्स दिस स्टोरी वेरी वेरी स्पेशल, एंड आई एम श्योर इट विल इंस्पायर यू। प्लीज़ बी विद अस, सी द कंप्लीट वीडियो। लेट्स इन्वाइट ब्रदर एंथनी जेवियर विद अस। तो ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच इनविटेशन के लिए। अबाउट रिहर्सल ब्रदर जी। मेरा नाम एंथनी है, जैसे आपने बताया है। मैं दिल्ली में ही पला बड़ा हूँ और मेरी एजुकेशन सब कुछ दिल्ली में ही हुई है। मेरे फैमिली में चार जने थे, मेरे पापा, मेरी मम्मी, भैया और मैं। पापा की कुछ 20-21 साल पहले डेथ हो गई, और रिसेंटली मेरे ब्रदर की भी डेथ हो गई। तो अभी मैं और मम्मी हैं, भाभी और उनके दो बच्चे हैं। सो ब्रदर जी, देन लाइक एज़ वी आर ग्रोइंग अप, आप यू कैन टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड, योर स्कूलिंग, कॉलेज, एंड अंकल की कब डेथ हुई? मेरे पापा की डेथ हुई थी तब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, और मैं अपना बोर्ड एग्जाम दे रहा था। तो उसी दौरान मेरे पापा की डेथ हुई, और बड़ी मुश्किल से मैंने एग्ज़ाम दिया अगले दिन, और फिर उसके बाद बैरियल हुआ। इस दौरान मेरी मम्मी ने और भैया ने, भैया के गाइडेंस से मेरी चाइल्डहुड हुई। मेरे भैया मेरे से 7 साल बड़े हैं। तो ऐसे आगे बढ़ी लाइफ, और फिर मैंने स्कूलिंग DTEA स्कूल से करी है, लोधी रोड से। और कॉलेज मैंने दयाल सिंह कॉलेज से पढ़ा है। ओके, अच्छा। और उसके बाद मैंने MBA भी करा था सिम्बायोसिस से, और पुणे से जी पुने। और 6 साल मैंने कॉरपोरेट में काम भी किया है। वैसे तो मैं हमेशा से शांति था। उसके बाद लेट्स से थोड़ा सा 11th 10th 11th के टाइम पे थोड़ा बहुत नॉटी हो गया था। अच्छा। बट इन जनरल मैं शरीफ ही लड़का था। ओके। तो पर हाँ, फेथ में ऐसे कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं मेरा। ओके। बट एक बार ही क्या हुआ कि जब मैं 9th वगैरह में था, तो एक पास्टर आया करते थे हमारे से, ऑस्ट्रेलिया के थे। okay. तो मुझे इंग्लिश भी बड़ी अच्छी नहीं आती थी उस टाइम पे। okay. तो आके फेथ के बारे में बताते थे, बाइबल के बारे में बताते थे। okay. तो अच्छा लगता था मुझे, समझ में बहुत अच्छा नहीं आता था, बट मैं उनसे थोड़ा बात वगैरह करता था। नहीं, वो प्रोटेस्टेंट थे। okay, okay. तो एक कहूँगा कि चिंगारी जो है फेथ की, वहाँ से एक थोड़ी सी हुई। और कॉलेज में जब मैं गया था फर्स्ट टाइम, वहाँ पे मेरे को एक रियल गॉड एक्सपीरियंस महसूस हुआ। तो जब मैं वहाँ पे कॉलेज में गया, तो एक रिट्रीट मैंने अटेंड करा था, वो पैरिश का रिट्रीट था। तो उस पैरिश रिट्रीट में रिट्रीट प्रीचर बहुत अच्छी बातें बता रहे थे, ईश्वर कितना अच्छा है, ईश्वर हमारे लिए हमें अच्छा, हमेशा हमारे बारे में अच्छा सोचता है और हमसे प्यार करता है। तो एक पर्टिकुलर जो बाइबल का वर्स है, आयजाया 43:4, तो प्रभु उसमें बोलते हैं कि तुम मेरे लिए मूल्यवान हो। तो मुझे ये पर्टिकुलर बाइबल का वर्स बहुत ही ज़्यादा दिल पे टच कर गया। तो मैंने सोचा यार, जो जिस प्रभु ने पूरे सृष्टि को रचा है, उसके लिए मैं मूल्यवान हूँ, उसके लिए मैं स्पेशल हूँ। तो मेरे लिए वो बहुत टचिंग इंस्टेंस था। और उसके बाद मैं वहाँ से मेरा लाइफ एक चेंज होने लग गया, उस तरह से कॉलेज के सेकंड ईयर से। जी जी। कभी ऑल्टर बॉय बने थे आप? ऑल्टर बॉय तो मैं कभी बना नहीं। ऐसे मेरे को बहुत इंटरेस्ट नहीं था, जैसे मैंने बताया आपको। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन था बिल्कुल, ये मेटानोया जैसे बोलते हैं, आपका माइंड का फुल एक यू टर्न होना, माइंड का। कॉलेज से आपका स्टार्ट हुआ फॉर्मेशन एक तरीके से। हाँ, एक स्पेशलिटी कह सकते हैं कि फर्स्ट लेट्स से गॉड एक्सपीरियंस, कॉन्क्रीट गॉड एक्सपीरियंस जो था, एक गॉड को मैंने पर्सनल लेवल से जो जाना था, वो कॉलेज के टाइम से था। एंड दैट टाइम इट वाज नॉट क्लियर दैट यू विल बिकम अ प्रीस्ट और नो? उस टाइम तक तो ऐसे कोई प्रीस्टहुड का कोई मेरे को ऐसा सोचा ही भी नहीं था, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था।
So when did you get the inspiration to become a peace officer? How did that journey progress as you? Journey वो इस हिसाब से progress हुआ कि मैं Jesus Youth movement आपने सुना ही होगा कि दिल्ली में भी काफी popular है और Jesus Youth movement दुनिया में सिर्फ दो ही एशिया में से सिर्फ दो ही movement है पोप ने recognize किया है तो उसमें से Jesus Youth movement एक है दूसरा couples of Christ है तो मैं Jesus Youth movement में जब participate करने लगा तो मुझे वहाँ से एक प्रेरणा मिली कि शायद ईश्वर मुझे फादर बनने के लिए बुला रहा है एक सवाल जो सब लोग पूछते हैं कि आप स्टडीज से कई लोग पूछते हैं सब स्टडीज में कैसे थे आप आई मीन स्कूल आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था या और समथिंग लाइक दैट वैसे स्टडीज में तो मैं बहुत अच्छा नहीं था और बहुत बेकार भी नहीं था तो आई वुड से कि मैं अबव एवरेज था ओके ओके और मैथ्स और साइंस की मैंने ट्यूशन लगा रखी थी अच्छा तो इसलिए मैथ्स मेरे को अच्छा लगता था ओके ओके तो बट मेरा अकाउंटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था जब मैं 11th 12th में मैंने अकाउंटिंग ली थी तो मेरा प्रोफेशन भी वैसे ही था उसी से रिलेटेड ही था तो बट हाँ यही कहूँगा कि अबव एवरेज था ऐसे बट अब मैं मतलब अब मैं काफ़ी अच्छा करता हूँ एकेडमिक्स में स्पेशली सेमिनरी में जाके लाइफ के बाद वो चेंज आ गया बहुत बहुत ज़्यादा चेंज आया सो देन एज यू लाइफ प्रोग्रेस व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट लाइक यू नो कि आपका कैसा रहा उसके बाद जैसे ज़्यादातर लोगों का होता है रिट्रीट में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है उसके बाद कुछ दिन के बाद आप नॉर्मल लाइफ में अपने पुराने लाइफ में वापस आ जाते हैं तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था बट एक डिफरेंस था कि मैंने पर्सनल प्रेयर अपना शुरू कर दिया था फिर थोड़ा मैं बाइबल पढ़ने लगने लग गया था तो मैं दूसरों के लिए भी प्रेयर करने लग गया था तो ये एक मेजर डिफरेंस था तो ऐसे ही चलता रहा और फिर मैंने जॉब ढूंढी जॉब में मुझे बहुत स्ट्रगल हुआ क्योंकि मैं बहुत ही इनोसेंट टाइप का पर्सन था और फिर ऑब्वियसली इनोसेंट लोग बहुत एक्सेप्ट नहीं होते कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा फाइनली मुझे एक जॉब मिल गई काफ़ी अच्छी कंपनी में MNC में मिल गई थी और फिर कीन था फर्स्ट कंपनी का नाम कीन था फिर उसके बाद मैंने एक साल के बाद मैंने गूगल में ट्राई किया फिर गूगल के बाद मैं CPA ग्लोबल में था 3 साल तो मोर ओवर 6 ईयर्स का मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है एंड व्हाट वर यू वर्किंग देयर मैं अकाउंट्स पेबल में था सीनियर एग्जीक्यूटिव सो एंड देन व्हाइल ऑल दिस वाज हैपनिंग जीसस जो चल रहा था उसके बीच में आपका फॉर्मेशन का कुछ हाँ जैसे मैं जीसस उसको बहुत एक्टिव था उस टाइम पे भी आफ्टर कॉलेज जी आफ्टर कॉलेज मैं कहूँगा कि मोर ओवर लेस 24 ईयर्स का जब मैं था तो उस टाइम पे मैंने जीसस ज्वाइन कर लिया था और जीसस ज्वाइन करने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा था क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस कर रहा था कि यार प्रभु के लिए काम करना बहुत मज़ेदार है तो मैं गिटार बजाता था अच्छा, तो मैं एक बारी मेरे भैया ऑलरेडी जीसस में थे तो एक बारी जीसस का कोई आया उसने सुना उसने कहा क्यों तुम आते नहीं हो हमारे साथ तो मैं आया जीसस में ज्वाइन किया तो उनका प्रेयर एक्सपीरियंस मुझे बड़ा टच किया मेरे को लगा यार प्रेयर और उनका फेलोशिप जैसे उन्होंने जैसे मुझे वेलकम किया तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी एज एन आउटसाइडर मेरे को बहुत एक्सेप्टेड फील हुआ एक अच्छा ग्रुप फील हुआ और उसी के साथ साथ मैंने प्रेज एंड वर्शिप वगैरह में मैं गिटार बजाता था तो मुझे बहुत बढ़िया फील होता था बहुत अच्छा लगता था कि यार प्रभु के काम में एक मज़ा है मैं जैसे एक रिलेशनशिप में भी था तो 3 साल मेरे को लगा इतना बेकार मेरा टाइम वेस्ट हो गया लाइफ का पर जब मैंने कहा कि जब प्रभु के जब काम में मैं आगे बढ़ा लगा कुछ गिटार वगैरह बजाया तो मेरे को लगा प्रभु के साथ काम करना इज़ लाइक इट्स ब्यूटीफुल रियली ब्यूटीफुल क्योंकि एक गाना है साम है 84 उसमें बोलते हैं कि प्रभु के साथ एक दिन बाकी जगह में हज़ारों साल से ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो चीज़ मेरे को फील हुआ उस टाइम अपने पर्सनल लाइफ में So, and then job continued and ministry also. Yes, yes. My job और ministry साथ साथ चल रहा था जीसस का और फाइनली मेरे को एक बार ऐसा फील हुआ कि शायद मुझे यीशु फादर बनने के लिए बुला रहे हैं एक बार ऐसे हुआ था कि मैं कोई रिट्रीट अटेंड कर रहा था मेरे को ऐसा लगा शायद प्रभु मेरे को बुला रहा है बट मैंने सोचा यार मुझे तो नहीं बनना फादर वगैरह तो मैं तो मतलब 99% श्योर था कि मुझे शादी करनी है
पर मैंने कहा 1% अगर प्रभु चाहता है कि मेरे लिए ये बढ़िया है तो मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ, अगर ओनली 1% मैं देता हूँ उसको। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कुछ लोगों से बात करी, मैंने कहा मेरे को ऐसा फील हो रहा है, एक फादर हमारे डायसिस के फादर जूलियस सीजर है, वो हमारे फैमिली से क्लोज है काफ़ी। तो मैंने उनको बताया फादर मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि मुझे फादर बनने का ऐसा लग रहा है, बट 99% मुझे नहीं बनना। तो फादर ने बोला कोई बात नहीं, तुम इसके बारे में मत सोचो और मुझे बाद में अगर कुछ तुम्हें लगता है ख्याल तो मुझे मेरे को बताना। तो ये फीलिंग इतनी स्ट्रांग हो गई थी मेरे लाइफ में कि मैं एक शादी में गया था अपने फैमिली फ्रेंड के, उनकी शादी में मैं अपना ऑर्डिनेशन होते हुए देखा था। तो मैं देख रही क्या हो रहा है, मैं नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने वो फादर को बताया और फिर उनको मैंने बोला फादर ऐसा ऐसा चीज़ें हो रही है। तो जब फादर ने कहा मुझे कि 2 साल तुम कुछ टाइम मत सोचो, तो 2-3 महीने तक मुझे ऐसा कोई फीलिंग नहीं आई फादर बनने की। एक दिन एक जीसस स्कूल के एक मेंबर हमारे घर में आए थे, वो भी दिल्ली के ही हैं, उनका नाम विनोद कुमार है। तो हमारे घर में आए, वो प्रार्थना वगैरह किए उन्होंने, वो भी मजाक करते हैं बहुत, तो मजाक वगैरह कर रहे थे। उसके बाद ख़त्म करते टाइम उन्होंने प्रार्थना करी और चले गए, मेरे भैया उनको छोड़ने चले गए। जब वो छोड़ने गए उन्होंने मेरे भैया को बोला शायद एंथनी का वोकेशन है फादर बनने का। तो जब उन्होंने बोला तो मेरे को लगा यार मेरे को थोड़ा इस बात को सीरियसली लेना चाहिए। अभी थर्ड टाइम हो गया। यहाँ तो बहुत बारी हो गया था, ऐसे बहुत सारे मेरे को छोटे छोटे इंडिकेशन ऐसे दूसरे लोगों से मिल गए, या किसी कोई बोलता था यार शायद तुम दोनों में से कोई एक फादर बनेगा शायद, ऐसे बहुत सारे लोग ने ऐसे छोटे छोटे इंडिकेशन दी थी। तो मैं बहुत इग्नोर नहीं कर पाया, मैंने कोशिश बहुत करी थी पर मैं कर नहीं पाया इग्नोर। तो फाइनली मैंने कहा यार मैं थोड़ा बात करता हूँ। तो 4 साल मैंने डिसर्नमेंट किया, 4 ईयर्स डिसर्नमेंट किया, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था और अच्छा खासा मेरा था अच्छा पैकेज वगैरह भी ठीक था और मैं अच्छा वेल सेटल्ड था। मैंने कहा अगर मैं छोड़ दूंगा MNC में, आपको पता है अगर आप जॉब छोड़ते हो तो 1000 लोग आपके पीछे खड़े हैं, तैयार खड़े हैं। तो मेरे को लगा कि अगर प्रभु, जो भी मेरे पास जो भी जॉब है मेरी वो प्रभु से ही मिली है, तो अगर मैं इसको छोड़ भी देता हूँ, अगर शायद फादर नहीं भी बनता तो प्रभु मेरे को ये दोबारा से दे देगा। तो सेम सिचुएशन में सेम फेथ के साथ मैंने जॉब छोड़ा और एक कहते हैं कि एक अंधेरे में छलांग लगा दी एक मैंने, या फेथ की एक छलांग लगा दी और उसी के साथ मैंने अपनी जॉब छोड़ी और एक फुल टाइमर्स एक्सपीरियंस ज्वाइन किया जीसस स्कूल का। सो फाइनली व्हाट हैपेंड कि इस एक साल में मैंने डिसर्न किया और मेरे को फिर भी क्लियर नहीं हुआ कि फादर बनना है कि नहीं बनना। तो मैंने लास्ट के एक जेजुइट प्रीस्ट से मैं बात कर रहा था, तो उनसे मैंने डिसर्न किया। तो उनके डिसर्न करने के बाद, उनके साथ बात करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद ये क्लियर हो गया मुझे कि भाई 60% अब मुझे फादर बनना है, 40% ही है। पहले जो 1% था वो दैट बिकम, अब वो 60% हो गया। तो ये ऐसा हो गया, पर फिर भी मतलब एक श्योरिटी तो फिर भी नहीं थी ना, 60% इज नॉट 100%। या तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मैं एक सेमिनरी में रहूँगा, सेमिनरी में जाकर देखूँगा और कैसा लगता है सेमिनरी में, फिर उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा। तो माइनर सेमिनरी और स्पिरिचुअलिटी ईयर का 2 ऑप्शन था मेरे पास। तो मैंने सोचा कि स्पिरिचुअलिटी ईयर में रमे हुए सेमिनेरियंस आते हैं तो, और माइनर सेमिनरी में बच्चे वगैरह आ जाते हैं तो दे आर वेरी रॉ। तो मेरे को लगा वहाँ मैं नहीं जाना चाहता, तो लेट मी गो देयर ओनली। तो वहाँ मैं गया, एक हफ्ता रुका और मैंने प्रभु से प्रार्थना करी। मैंने कहा प्रभु अगर आप मुझे नहीं चाहते हैं कि मैं फादर बनूँ, मुझे एक बुरा अनुभव दीजिए यहाँ पर। पर वहाँ का बहुत ही ज़बरदस्त अनुभव रहा मेरा और वहाँ पे मुझे क्लियर हो गया कि मुझे अब फादर ही बनना है। द 60% बिकेम 100%। बट ऑफकोर्स जैसे आपको पता होगा कि सेमिनरी फॉर्मेशन भी एक डिसर्नमेंट पीरियड होता है, यहाँ पे भी आपको डिसर्न करना होता है। बट अब मैं कह सकता हूँ कि बहुत स्ट्रांग है कि अब मैं डीकन बन चुका हूँ, तो चर्च ने भी मेरा डिसर्नमेंट और मेरा वोकेशन को कन्फर्म किया है। सो फाइनली जब आपने एक्सेप्ट किया तो व्हाट एज वर यू दैट टाइम? I was 28 years old. Yes, wow. Yes. And where have you joined Father? मैं अभी जीसस यूथ के लिए नागपुर डायसिस में मैंने ज्वाइन किया है। okay. तो इसका मतलब ये है कि मैं नागपुर डायसिस में इनकार्डिनेट होऊंगा। okay. जैसे एज अ डायसिजन, बट मेरा जो मिनिस्ट्री होगा वो जीसस यूथ के लिए होगा फुल टाइम। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। जी, सो लॉट ऑफ डिफिकल्ट माइलस्टोन्स यू क्लियर कर दीजिए कि 1 ईयर का रिस्क लेना, फिर क्लियर नहीं, फिर अनदर रिस्क लिया 7 डेज का, आपने जाके देखा क्या है।
देन आप वंस यू ज्वाइन, जब हम ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद कोई ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगा कि कंटिन्यू करना है कि वापस जाना है या बहुत दूर आ गया, गलती तो नहीं हुई मुझसे कहीं? नहीं, वेल स्टार्टिंग में तो मुझे काफ़ी चैलेंजिंग लगा फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में मैंने 10 किलो अपना वेट भी लूज़ कर दिया, पर कभी मुझे ऐसा लगा नहीं कि बहुत मतलब मुझे वापस जाना चाहिए। पर ये बहुत रिसेंटली हुआ, जब मेरे भैया 4 महीने पहले की बात है, कोरोना के वजह से मेरे भैया हॉस्पिटल में थे और मुझे ऐसा लगा कि शायद ये बच नहीं पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि यार सब कुछ छोड़ के अब मैं वापस आ जाता हूँ। बट फिर मैंने अपने आप को पूछा अपने आप से कि तू क्या कर सकता है वापस जाके, ना मैं वापस जाके मैं भी मर सकता हूँ। तो अगर मरना ही है तो डीकन बन कर मर जाता हूँ, अगर मरना ही है तो गॉड के प्लान में रह कर मर जाता हूँ। तो मैंने यही सोचा और मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे भैया को भी कुछ भी हो जाए, मैं आगे बढ़ूंगा इसमें। और अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा हो गया कि जिस दिन मेरा डायकिनेट ऑर्डिनेशन था उसी दिन के सुबह मेरे भैया की भी डेथ हो गई। सेम डे 2 hours बिफोर माई डायकिनेट। अभी जैसे मैं अभी लाइसेंशिएट कर रहा हूँ अपना पास्टरल थियोलॉजी में, तो मैं रोम में कर रहा हूँ, तो 1 साल के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। तो अगर बिशप भी हाँ बोल देते हैं तो उसके बाद मैं फादर बन सकता हूँ। नेक्स्ट बनेगा जी। जी स्टोरी कि कितने मुश्किलों से आपने क्रॉस कर के आप यू हैव फाइनली रीच्ड द स्टेज। इसलिए मैं चाहता नहीं था कि मैं साल वेट करूँ, चाहता था कि मैं और ये जाने वाले अभी रोम में, तो जाने से पहले भी चाह रहा था कि इनका मैं इंटरव्यू ले लूँ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर वेट करने का मेरे को पेशेंस नहीं था मेरे अंदर। तो जब मैंने सुना कि जिस दिन इनका इनको डायरेक्टरशिप मिला था सेम डे इनके ब्रदर एक्सपायर हो गए, वो इनका सपोर्ट सिस्टम था, नो दैट वाज अ सपोर्ट सिस्टम दैट वही चला गया। तो यू कैन इमेजिन हाउ डिफिकल्ट यू नो कि फॉर अ पर्सन टू टेक अ कॉल, बट इन्होंने आगे बढ़े प्रभु के लिए एंड दैट्स अ वेरी होल थिंग। सो वी हैव वन मोर प्रीस्ट इन आवर मिड्स। मैं बस ये कहूँगा कि भाई आप कभी भी यीशु को जानने में डरे नहीं, आप उनके बारे में जानिए और आपका जीवन सुखमय रहेगा और आप फ्री रहेंगे अंदर से भी और बाहर से भी। जॉन बता रखा है कि नो यू विल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। सो मेरा बस यही मैसेज है, आप ट्रूथ को जानिए जो कि जीसस क्राइस्ट है और वो आपको मुक्ति दिलाएगा। जो यूथ आज कन्फ्यूज हो आज का है, चाहे वो गर्ल हो बॉय हो, वोकेशन लेके जो कन्फ्यूज है, व्हाट डू यू हैव टू से फॉर देम? मैं ये कहूँगा कि डेफिनेटली फर्स्ट स्टेप तो प्रेयर है ही, बट दूसरा स्टेप ये है कि एल्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई बड़े बुजुर्ग स्पेशली फादर्स, अगर आप फादर बनना चाहते हैं तो एक फादर से बात करेंगे, अगर आप सिस्टर बनना चाहते हैं एक सिस्टर से बात करिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें लगता है कि हमें सीधा मैसेज प्रभु से मिल जाता है, पर अगर हम किसी एक्सपीरियंस से बंदे से बात करें तो वो हमें काफ़ी हेल्प कर सकता है, क्योंकि आप ही पहले इंसान नहीं हैं जिससे प्रभु बात कर रहा है। थैंक यू सो मच डीकन जी, कट टू कट होने के बाद भी आपने हमको अपना टाइम दिया और आपने एग्री किया हमसे बात करने का, और बट इनका स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग था, दैट इज़ वाई वॉन्ट टू स्पीक टू हिम नाउ ओनली एंड थैंक यू फॉर गिविंग दिस टाइम। Keep us in your prayers. We also pray for you. Sure. And thank you so much once again. Thanks to you too. It was a pleasure being here. Thank you.